नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे नई योग सीरीज के अंदर। तो आज हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है उष्ट्रासन। तो ये हमारी इस श्रेणी का 14वां आसन है, 14th आसन है। और आगे के अगर आसन आपको देखने तो मेरी चैनल के अंदर ये सीक्वेंस के अनुसार ये आसन आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ये मेरे पिछले वाले भी वीडियोज़ देखिए और ये भी वीडियोज़ आप देखते जाइए। तो उष्ट्रासन आज हम सीखेंगे कि उष्ट्रासन कैसे करना है, उष्ट्रासन किसको करना है, उष्ट्रासन कौन कर सकता है, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो के साथ में बने रहिएगा और प्लीज़ अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं और ये बाद में भी आप अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ भी ये आसन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उष्ट्रासन को कैसे करना है। उष्ट्रासन, उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में है, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो देखा आपने उष्ट्रासन कैसे किया जा सकता है। उष्ट्रासन करने से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये स्पेशली आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो ये आसन रेगुलर बेस के ऊपर आप कीजिएगा। मैं भी ये आसन एवरीडे करता हूँ और मेरी जो स्पाइन है अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल अभी तक बनी पड़ी है। और कोशिश आप यही रहेगी कि आप भी ये आसन कीजिए और अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को अच्छी तरह से हेल्दी बनाए रखें। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये आसन करते हैं। अगर ये आसन रेगुलर बेस के ऊपर करेंगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा और थोड़े ही दिन में आपको अपने आप हेल्थ में फ़र्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या कौन सा वीडियो चाहिए मेरे थ्रू, और मैं आपको कोशिश करूँगा वो वीडियो आपके द्वारा पहुँचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।